सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते नमः। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था अपना कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट लेसन सुभाषितानी। इस लेसन में हमने अब तक 4 श्लोकों का अध्ययन किया। मैं एक बार फिर से 1 by 1 श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला श्लोक हमने पढ़ा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरा मंडल पर जल, अन्न और मधुर वचन, ये ही बहुमूल्य रत्न हैं या रत्न होते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्यों के द्वारा तो हीरे जवाहरात जैसे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। दूसरा श्लोक पढ़ा हमने, सत्येन धारयति पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य ही पृथ्वी का मूल आधार है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशमान है, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है और सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि किन किन पर मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में, शौर्य पर, बुद्धिमता पर या ज्ञान में या ज्ञान पर, विनम्रता में और नीति परकता पर, इन पर कभी भी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति में ये गुण व्याप्त हैं तो उसको अपने इन गुणों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये धरती है, ये अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। तो पता नहीं कितने ही लोगों में इससे बढ़कर क्वालिटीज होंगी, गुणवत्ता होंगी। तो कभी भी किसी एक गुण को अपनी स्पेशल क्वालिटी समझकर उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि इस गुण में मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस भावना को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे अनेक लोगों को धारण करती है या इस पर अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिनमें ये गुण विद्यमान थे, विद्यमान हैं और आगे भी विद्यमान रहेंगे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि दुर्जन की संगति का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। श्लोक था अपना, सद्भिरेव आसीत सततम् सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, किंतु न सद्भि दुर्जनों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो इसी क्रम में अपना अगला 5वां श्लोक है कि किन किन कार्यों में लज्जा को त्याग कर मनुष्य सुखी हो सकता है। श्लोक है अपना, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु च विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जय लज्जा को त्याग कर सुखी भवेत, मनुष्य को सुखी रहना चाहिए। कैसे? धन धान्य प्रयोगेशु, अगर किसी व्यक्ति के पास धन है और वो उसका प्रयोग खुद ही सुख सुविधाओं के लिए नहीं करता है तो फिर ऐसे उस व्यक्ति का उस धन को रखने से क्या लाभ। देखो, एक जगह इसी से संबंधित एक बात कही गई है कि धनानि जीवितार्थम च परार्थे प्राज्ञे उत्सृजेत सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। देखिए, मनुष्य जीवन का और मनुष्य अपने जीवन में जिन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करता है उन दोनों का ही अंत निश्चित है। तो
तो फिर जिस भौतिक सुख सुविधा के लिए मनुष्य दिन रात सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, तो फिर जब उनको अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग नहीं करेगा तो फिर उसका उस मेहनत करने से, उन चीज़ों को प्राप्त करने से क्या फ़ायदा। तो कवि ने क्या कहा था, धन धनानि जीवितार्थम च परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। व्यक्ति को धन का और अपने जीवन का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि दूसरों का भी हित हो। लेकिन इसमें तो ये कह रहा है कि जो धन है ना, आप कम से कम उसको खुद की सुख सुविधाओं के लिए तो प्रयोग करो। अगर उस पर भी आप खर्च नहीं कर सकते हो तो फिर आप सुखी कैसे रहोगे, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाओगे। और आगे कह रहा है, विद्याया संग्रह ही सुचे। तो जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान को सीखने में अगर लज्जा रखता है तो क्या वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति में कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की जो गुणवत्ता की जो नीतिपूर्ण जो बातें हैं वो हमें किसी से भी, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से सीखने को मिले तो उसे हमें तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। आहारे भोजन में भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे आप कहीं अनजान जगह पर जाते हो और भोजन करने बैठ जाते हो तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं, आप शर्म से घिर जाते हो, आप सामने वाले की मनोदशा को भी खुद ही उसकी काल्पनिक कल्पना करके अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। आप अपने मन ही मन सोचते हो कि पता नहीं सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा, कि ये पता नहीं कितना खाता है या ऐसी कोई बात हो, तो उस कंडीशन में नुकसान किसका होगा, अपना खुद का। तो आहार में, भोजन करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार व्यवहार में भी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, उसी के अनुरूप आपके शत्रु और मित्र बनते चले जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उस परिस्थिति में जन्म लिए हुए नवजात का न तो कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, वो जिन जिन के साथ जैसा जैसा व्यवहार करता है, तदनुरूप ही उसके मित्र और शत्रु बनते चले जाते हैं। तो व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। शत्रु और मित्र किससे बनते हैं, व्यवहार से। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को शत्रुओं की आवश्यकता होगी। सबको कौन चाहिए, मित्र चाहिए। तो मित्र चाहिए तो सदव्यवहार की आवश्यकता है। तो कभी भी दूसरों के साथ सदव्यवहार करने में किसी प्रकार का की लापरवाही या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सदव्यवहार में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी गुणों का जो पालन करता है ना, वो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। तो चलिए सार रूप में इसका मैं एक बार फिर से हिंदी ट्रांसलेशन रिपीट कर देता हूँ कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में या विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा त्याग कर सुखी भवेत, सुखी रहना चाहिए। अगर भवेत की बात करूँ ना, तो इसमें मूल धातु कौन सी है, भू लकार है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन है। और सुखी की बात करूँ ना, तो इसमें सुख शब्द में ऋणी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अपना पंचम श्लोक हुआ। छठे श्लोक में कह रहा है कि जो क्षमारूपी जो गुण है ना, ये संसार का सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा वशीकरण है। किसी को क्षमा गुण को अपना कर बड़े से बड़े शत्रु को भी या दुराचारी व्यक्ति को भी वश में किया जा सकता है, क्योंकि क्षमाशीलता ही एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को समर्पित, निश्चल और सबके साथ समान व्यवहार करने वाले व्यक्तित्व के रूप में मतलब प्रस्तुत करता है। तो श्लोक कहता है, श्लोक के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़ग है करे यश्चे किम करिष्यति दुर्जन है। देखिए एक संधि से युक्त पद है, क्षमा वसी कृतिर्लोके। तो इस कृतिर्लोके में दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है कृति ही लोके, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, रुत्व। ये एक ही पद है इधर, क्षमा वसी कृति ही लोके क्षमया किम न साध्यति। और अगर इस क्षमया की बात करें ना, तो इसका मूल शब्द क्या है, क्षमा। तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बना हुआ है, क्षमया। करे, कर का मतलब होता है हार, हाथ। करे जो है वो सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है हाथ में। और यत, यस्य की बात करें ना, तो यत शब्द है षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। और इस करिष्यति की बात करें तो इसमें क्री धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो चलिए, क्षमा वसीकृति लोके, लोके इस संसार में,
इस संसार में क्षमा, जो क्षमा रूपी जो गुण है ना, वो वसीकृति सबसे बड़ा वसीकरण है। वसीकरण का मतलब कि जिससे किसी को वस में किया जा सके, तो क्षमा रूपी गुण ही इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, इससे किसी को भी वस में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा ऐसा क्या है जिसको वश में नहीं किया जा सकता। क्षमाशील प्रवृत्ति से, क्षमाशील गुण से, क्षमा गुण से सभी कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड़गह करे यस्य यस्य करे है, करे जिसके हाथ में शांति रूपी खड़ग है, जो शांति का पालन करने वाला है। दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या करेगा, मतलब दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। किसका, जो व्यक्ति शांत चित्त रहने वाला है, शांति रूपी गुण को धारण करने वाला है, शांति का पालन करने वाला है, ऐसे व्यक्ति का दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्षमा रूपी गुण इस संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको क्षमा से सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड़ग करे यस्य यस्य करे, जिसके हाथ में शांति रूपी खड़ग, खड़ग का मतलब तलवार से है यहाँ, तो जिसके हाथ में शांति रूपी खड़ग है, दुर्जन किम करिष्यति, उस व्यक्ति का दुर्जन भी क्या करेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति का दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता जो शांति का पालन करने वाला है। तो इस प्रकार से ये अपने 6 श्लोक समाप्त हुए। एक एक श्लोक का आप हिंदी अनुवाद करोगे। अब मैं आपको इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जहाँ आवश्यकता होगी मैं बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा, और जिन प्रश्नों के उत्तर ओरल दिए जा सकते हैं, मौखिक रूप से दिए जा सकते हैं, जो आपको सुनने के साथ ही याद हो सकते हैं, उनको मैं मौखिक रूप से बताऊंगा, और इसके बाद आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने श्लोक को सही तरीके से समझा है तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप भली भांति दे सकते हो। पहला प्रश्न है, पृथ्वीभ्याम कति रत्नानि, इस पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। केवल संख्या पूछी है, नाम नहीं पूछा। तो कति जो है ना, ये पद क्या है, कति जो पद है ना, वो क्या है, एक प्रश्नवाची शब्द है। तो एक पद में उत्तर देना है, तो आप उत्तर दोगे त्रीणी। कितने रत्न हैं, तीन रत्न हैं, तो त्रीणी। फिर है, मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के मनुष्यों के द्वारा किनको रत्नों की संज्ञा दी जाती है। तो आप उत्तर के रूप में लिख दोगे पाषाण खंड ही, पाषाण खंड ही, पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख मनुष्यों के द्वारा रत्नों की संज्ञा दी जाती है। फिर है पृथ्वी केन धार्यते, इस पृथ्वी को किससे धारण किया जाता है। तो आप उत्तर लिख दोगे सत्येन, किससे धारण की जाती है, सत्य से या सत्य के द्वारा। फिर है, कई संगति कुर्वीत, कही किनके साथ संगति करनी चाहिए। तो आप उत्तर लिख दोगे सद्भी ही, सत शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और अगर ये शब्द याद रखने कठिनाई हो तो आप इसके साथ पर, इसके स्थान पर सज्जन ही सह है ये भी लिख सकते हो, सज्जन ही सह संगतिम कुर्वीत। अगला प्रश्न है, लोके वसीकृति का, इस संसार में वसीकृति क्या है। तो का लिखा हुआ ना, उस का की जगह क्या हो जाएगा, क्षमा, क्या हो जाएगा, क्षमा। फिर अगला है कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, रेखांकित पदों के आधार पर क्या कीजिए, प्रश्न निर्माण। देखिए बेटा, इन प्रश्नों को ध्यान से देखना, प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द के जो रूप है ना, वो तीनों लिंगों में अच्छी तरीके से अर्थ के साथ याद होने चाहिए कि कौन सी विभक्ति में किम शब्द के बनने वाले रूप का क्या अर्थ होता है। तो उन कारक चिन्हों के साथ इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो और अगर आपको पता है तो हम किसी भी जो दिया गया उत्तर होता है ना, उसको इस किम शब्द के आधार पर प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि रेखांकित पदों का अनुसरण करते हुए या रेखांकित पदों के आधार पर दिए गए उत्तरों का प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया कि आपको किम शब्द के रूप याद होना चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की पहचान के साथ,
साथ ही कौन सी विभक्ति में शब्द का क्या अर्थ होता है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उत्तर है सत्येन वाति ही वायु, सत्य से वायु प्रवाहित होती है। सत्येन कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, तो किम शब्द को भी तृतीय विभक्ति में परिवर्तित कर दो। यहाँ जो वचन है ना, वही वचन और लिंग आपको किम शब्द की विभक्ति में रखना है, तो आप सत्येन की जगह क्या कर सकते हो, केन। अब ये केन का प्रयोग सत्येन के स्थान पे हो जाएगा और उसके बाद में वाति ही वाति वायु इतना लिखकर अब ये जो फुल स्टॉप का चिन्ह लगा हुआ था ना, ये प्रश्नवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। केन वाति वायु, तो सत्येन वाति वायु, तो इस उत्तर का यह प्रश्न बन गया ना। ठीक ऐसे ही सद्भिः एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अब सद्भिः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, सद शब्द पुल्लिंग का है, तो किम शब्द को पुल्लिंग तृतीय विभक्ति के बहुवचन में जब रूप परिवर्तित करते हैं ना, तो रूप बनता है केन काभ्याम कही, क्योंकि ये बहुवचन है ना, तो किम शब्द को भी तृतीय विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित करना पड़ेगा, रूप बन जाएगा कही एव सह आसीत, दो शब्द जुड़े हुए ना यहाँ, सहासीत, और फिर फुल स्टॉप किस में बदल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो आपको किम शब्द को भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में परिवर्तित करना है, तो रूप बन जाएगा का, तो वसुंधरा के स्थान पर का रख दो, का बहुरत्ना भवती, ये प्रश्न बन जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा, का वसुंधरा की जगह। फिर है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, तो विद्याया विद्या के संबंध का के की षष्ठी विभक्ति है, विद्या शब्द स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द को भी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति के एक वचन में परिवर्तित करोगे, तो विद्याया के स्थान पर क्या बन जाएगा, कश्यः, और इतना करने के बाद शेष ये बचे हुए सभी शब्दों को इसके साथ जोड़ते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे, जैसे हमने ऊपर के तीन उत्तरों को प्रश्न के रूप में परिवर्तित करके किया है। फिर है सद्भिः मैत्रीम कुरुवीत, मैत्रीम सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, ये यहाँ पर ये कर्म पद हो गया, भाववाची कर्म पद हो गया ये, तो मैत्री शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द को भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित करो। फिर यहाँ विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो किम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन में जो रूप बनता है उसका आप इसकी जगह प्रयोग कर दोगे, तो यहाँ पर काम हो जाएगा, सद्भिः काम कुर्वीत, इधर जुड़ जाएगा सद्भिः काम कुर्वीत, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विस्मय है कुत्र न कर्तव्य, ऊपर निर्देश दिया हुआ प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते है। अभी प्रश्न निर्माण से पहले जो प्रश्न आए उनके उत्तर थे एक पद में, अब इनके उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। प्रश्न है कुत्र विस्मय है न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, तो हमने श्लोक पढ़ाया दाने तपसी शौर्य विनय नये, विस्मय है न कर्तव्य है। फिर अगला प्रश्न है पृथ्व्याम त्रीण रत्नानी कानी, देखिए पहले इसने प्रश्न पूछा कति रत्नानी, तो हमने उत्तर दिया त्रीणी, अभी पूछा है कि पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से हैं, तो अब हमें उनका नाम देना है। पृथ्व्याम त्रीण रत्नानी जलम अन्नम सुभाषितानी, उसके बाद में है त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत, लज्जा त्याग कर कहाँ सुखी होना चाहिए, तो अभी बताया था ना धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, तो इस प्रकार से इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा तीनों प्रश्नों का। फिर है वसुंधरा, यहाँ पर मंजूषा में एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और इधर लिखा गया है कि इनको लिंग के अनुसार इनकी छटनी करके लिखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग ये तीन लिंग दे रखे हैं, ऊपर एक मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, तो इन शब्दों को हमें इस मंजूषा से छांटना है और जो शब्द जिस लिंग का है उनको इनके नीचे लिखना है। जैसे पहला शब्द है रत्नानी,
रत्नानी रत्नम रत्ने रत्नानी फलम फले फलानी, तो कौन से लिंग का हुआ? नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग के नीचे लिख दोगे रत्नानी, मतलब रत्नानी जो शब्द है ना वो नपुंसक लिंग का है। उसके बाद में आता है वसुंधरा, वसुंधरा स्त्रीलिंग का है, तो वसुंधरा शब्द को स्त्रीलिंग के नीचे लिख दोगे। इसके बाद में आता है सत्येन, सत्येन सत्यम, तो ये भी नपुंसक लिंग का शब्द है, तो नपुंसक लिंग के नीचे लिख दोगे सत्येन। उसके बाद में आता है सुखी, सुखी पुल्लिंग का शब्द है ये, तो पुल्लिंग के नीचे आ जाएगा। उसके बाद में है अन्नम, अन्नम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो नपुंसक लिंग के नीचे आ जाएगा। उसके बाद में है वन्नी, वन्नी स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर है रवि ही, मतलब सूर्य, तो रवि शब्द पुल्लिंग का है, रवि ही। उसके बाद में आता है पृथ्वी, तो पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग का है। और अंत में एक शब्द और है संगतिम, संगति को, तो संगति शब्द स्त्रीलिंग का है। यह हो गया संगतिम। तो इस प्रकार से लिंग के हिसाब से इनकी छटनी हो गई। फिर है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यहाँ चार धातुओं के रूप दे रखे हैं, करोति पश्ये भवेत और तिष्ठति, हमें इनमें सिर्फ मूल धातु बतानी है। पहली तो है करोति, उसके बाद में है पश्य, उसके बाद में है भवेत, और उसके बाद में है तिष्ठति। प्रश्न है कि इनमें मूल धातु बताइए, धातु ही पूछ रहा है, लकार पुरुष और वचन नहीं पूछ रहा है। तो करोति की धातु क्या हो जाएगी? क्री। पश्य की धातु हो जाएगी दृश्य। भवेत की धातु हो जाएगी भू। और तिष्ठति की धातु हो जाएगी स्था। बैठना ठहरना रुकना, ये इसका अर्थ होता है। भू का अर्थ होता है होना, दृश्य का अर्थ होता है देखना, क्री का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। तो इस प्रकार से ये अपने इस प्रथम पाठ सुभाषित यानी कि अभ्यास प्रश्न हुए। तो यहाँ तक के कंप्लीट का होमवर्क को प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हुए आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।